कल क्या होगा मुझे भी पता नहीं है, बस इतना है कि काम करते रहूँगा और रुका हुआ नहीं दिखूँगा आप लोगों को, क्योंकि इतने दिनों से एक चीज़ तो सीखा हूँ, आप अगर दिल से मेहनत करते हो तो नए नए दरवाजे ओपन होते, तो नए दरवाजे ओपन हो जाएंगे, ज़रूर ओपन हो चुके हैं इस शो की वजह से भी। तो नई नई चीज़ें दिखाते रहूँगा, एंटरटेन करते रहूँगा। झलक में आपका एक नया साइड देखने को मिला है, जो डांस आप कर रहे हो काफ़ी लोगों तक काफ़ी अच्छा मैसेज जा रहा है, काफ़ी अच्छा पसंद किया है, आपके पेरेंट्स भी आ रहे हैं, उनको भी काफ़ी प्यार मिल रहा है, आप कुछ बताना चाहोगे फैंस को? यार मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ कोई भी चीज़ में कि अरे यार ये बेस्ट है, ये फर्स्ट नंबर पर आएगा, नहीं, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, ये मैं ट्राई करता हूँ, मैं अलग अलग साइड दिखाना चाहता हूँ कि एक जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप में से निकला हुआ बंदा हूँ, इतना ज़िद्दी हर कोई होता है जो सपने देखता है और वो हर कुछ कर सकता है, तो मैं हर कुछ कर सकता हूँ और सब कुछ ट्राई करना चाहता हूँ, एक अलग अलग साइड दिखाना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता हूँ। वो डांस आप परफॉर्मेंस देख लिया और बहुत पसंद कर रही है, क्या कहना चाहिए? सुम्बुल तो यार घर की पर्सन है ना, मेरे मंडली की है, तो घर के पर्सन तो तारीफ़ करती है, आई है मेरी सपोज, तो आई तो मेरी तारीफ करेगी, मज़े तब है जब परफॉर्मेंस के बाद बाहर के लोग करेंगे, और ये सुम्बुल पूरी मंडली हमेशा सपोर्ट करती है, तो ये तो मेरी फैमिली है, और मैं हक से बोलता हूँ मेरी मंडली जब तक है तब तक मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मलाइका मैम भी काफ़ी खुश रहती है आपके परफॉर्मेंस से, क्या कहना चाहिए? मलाइका मैम को देख के मैं भी बहुत खुश रहता हूँ। मेरे को कहाँ से चक्कर आएगा, पिछाची हूँ। चलो चलो कम। ऑलराइट मैम, सबसे पहले बहुत खूबसूरत आज आपने दी है। थैंक यू। आई प्रॉमिस्ड मायसेल्फ मैं इस बार ब्लैक नहीं पहनूंगी, पता नहीं क्यों घूम फिर के मेरे पास ब्लैक आउटफिट आ जाता है सिमरन। ब्लैक आउटफिट्स नहीं। आप किसका बर्थडे भी आया? हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। एनीवे टेल मी तो मैम क्या कहना चाहोगे, मतलब आपने मतलब ठान लिए कि आप अभी नए कलर्स वाले कपड़े पहने? नहीं, मुझे अच्छे अलग अलग कपड़े, कलर्स के कपड़े बहुत पसंद है, मुझे घूम फिर के ब्लैक ही आ जाते हैं जो अच्छी फिटिंग की होती है, तो मैंने बहुत कोशिश की। इस बार ना मैं फंक्शन में जाऊंगी नहीं अगर मुझे कोई और कलर नहीं मिला तो, बट थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस आउटफिट। इट्स एन ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रिटी बैश एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस इवनिंग टुडे। सॉरी, एक्चुअली आज मैं इसलिए आई हूँ, हॉलीडेज में भी रहते आप, बहुत शार्प हो तुम, बालकनी का भी आप डालते रहते हो, ऑलवेज ट्रैवलिंग। ओह या, आई एम ऑलवेज ट्रैवलिंग। वही एक्चुअली मेरा बर्थडे था तो मैं दुबई गई थी, एंड मैं काफ़ी टाइम से टीवी सर्किट से दूर हूँ, इसलिए आज मुझे आना था, सबसे मिलना था, जस्ट वांट टू मीट ऑल माय कलीग्स। क्या है पार्टी, क्या करने वाले, मतलब आप तो हमेशा पार्टी करती हैं। वेल अरे मैं इवेंट्स थ्रो करती हूँ, ये गलत है, दैट्स योर वर्क, ये मेरा जॉब है, मैं इवेंट मैनेजमेंट करती हूँ तो आई थ्रो पार्टीज। ओके, पार्टी में क्या करने वाले हैं आप, मतलब आज सब? वेल आई थिंक एज आई सेड मैं टीवी सर्किट से काफ़ी दूर हूँ तो मैं सबको मिलने वाली हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड, दैट्स माई फ्रेंड प्रिया, सो वी ऑल आर गोना मीट ऑल आवर फ्रेंड्स। बिग बॉस कितना फॉलो कर? नहीं, अभी तो सच में काफ़ी टाइम से मैं ट्रैवल कर रही थी तो मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बीच में मैंने देखो बोला था सब मैंने फॉलो किया था। अरे बहुत हंगामा हो रहा है। ओह, फिर तो कैचअप करना पड़ेगा। हाँ, वो मैंने इंस्टा पे देखा बट आई हैव नॉट सीन द एपिसोड्स, एक बार देखेंगे, वी विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, थैंक यू। न्यू ईयर की प्लानिंग कुछ नहीं यार, बस कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है, एक्टर सिर्फ अंदर ही अपने सोच रहा होता है, और ऐसा मुझे कुछ ऐसा पार्टी वार्टी का कोई सीन है, जस्ट आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड दैट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। क्या मिलते ही नहीं हो तुम लोग यार, अभी आप लोग ना भूल गए हो मुझे, अभी नए, अब क्या नए कंटेस्टेंट्स आ गए हैं ना, तो अभी पुराने कंटेस्टेंट्स का तो आप लोग, हाँ ठीक है देख रही हूँ मैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम वैसे नहीं है, सेंटर नहीं है क्या? पलक, सबसे पहले ये साल की बिगिनिंग काफ़ी अच्छी हुई आपकी। जी बिल्कुल। नए साल को किस तरह से देख रहे हो? जो मेन बिग बॉस है उसमें भी देखना चाह रहे हैं। ये अभी बिग बॉस की बातें यहाँ पे बंद होंगी कि नहीं, कि मतलब वही है बस आइडेंटिटी हमारी, नए शो की बातें करो यार, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हो गया बिग बॉस। बहुत अच्छा काम किया था, थैंक यू सो मच। रूहानियत, जी जी बिल्कुल, बट अभी एक प्रिंस के साथ बहुत अच्छा गाना आ रहा है, प्रिंस नरूला के साथ एक पंजाबी सॉन्ग है, बहुत ही अमेजिंग है। सो वो डेफिनेटली जैन में लॉन्च होगा। मेरा नेक्स्ट ईयर बिगनिंग भी काफ़ी धमाकेदार होने वाली है बिकॉज वेब शो भी आ रहा है, रिलीज़ होने वाला है जनवरी में। सो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। तो कहीं ना कहीं नया साल आपके लिए हंगामा होने वाला है। बिल्कुल, साल का एंड भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्लानिंग्स की हैं। सो डेफिनेटली वी गोना ट्रैवल, आई एम ट्रैवलिंग विद माई फ्रेंड्स एंड जैन में जैसे ही वापस आएंगे एंड नया साल अच्छे से शुरुआत होगी।